हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का भर्ती पोर्टल है एमपी ऑनलाइन का और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक बार फिर से वेबसाइट पर जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं। आखिरी का एक कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ है जिसमें लिखा गया है पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ 243 कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ जनवरी से जून 2019 बैच। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो भर्ती में शामिल हुए थे जून से जून 2019 बैच की, उनको यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं और ये कितने हैं, मात्र 243 हैं। और यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी एक लिस्ट यहाँ पे निकाल दी गई है। अब इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपना अपना जो रिपोर्टिंग करनी है, जो भी इनको सब हेल्थ सेंटर यहाँ पे अलॉटमेंट के तौर पर दिया गया है। और यहाँ पे 29 फरवरी तक का समय है, ये लिस्ट आपको अवेलेबल रहेगी इस वेबसाइट पे। 29 फरवरी तक आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी लिस्ट में अपना अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउट में हैं कि ये कौन से कैंडिडेट के लिए लिस्ट निकाली गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जून 2019 वाली भर्ती के हैं। और जितने भी कैंडिडेट अभी हाल ही में एग्जाम देकर आए हैं 10 दिसंबर 2019 को, और मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम था, तो उन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। उनके लिए यहाँ पे कोई भी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं है और कोई भी अभी दूसरी लिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जून 2019 बैच के रहने वाले हैं। तो सीधे से हम यहाँ पे बोला जा रहा है क्लिक हेयर करने को, और क्लिक हेयर कर देने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिस्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले आपको इस लिस्ट में अपना अपना नाम यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहले आप लोग अपना नाम देखिए, और नाम के बाद देखिए अलॉटमेंट आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो ब्लॉक रहते हैं उसमें आपको जाना है, और उस ब्लॉक में कौन सा आपका सब हेल्थ सेंटर रहने वाला है तो उसका भी नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आपके नाम के आगे जो दिया गया है वहीं पे जाके आप लोगों को अपनी अपनी वहां पे रिपोर्टिंग करनी है, जो भी आपको यहाँ पे सब हेल्थ सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो इसी जगह पे जाइएगा आप लोग अपने अपने, और यहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरे टोटल 243 कैंडिडेट हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। और यहाँ पे देखिए काफी कैंडिडेट को ये भी यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि 243 कैंडिडेट ही यहाँ पे लिस्ट में शामिल क्यों किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दोबारा से रीचॉइस फिलिंग यहाँ पे कराई गई थी, और रीचॉइस फिलिंग कराने का यहाँ पे दोबारा से इसका एक पर्पस ये था कि कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट तो मिल चुका था, और ये कैंडिडेट ने अपनी अपनी 6 मंथ की जो है ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। इन लोगों ने अपना अपना प्रशिक्षण यहाँ पे ले लिया था, और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इनको फाइनली रिपोर्टिंग इनको यहाँ पे नहीं मिल पाई गई थी। और यहाँ पे रिपोर्टिंग के तौर पे इसका मतलब ये है सब हेल्थ सेंटर इनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाए थे, तो इनको दोबारा से जो है रीचॉइस फिलिंग कराई गई, और अब फाइनली इनको इस लिस्ट में इनका नाम इसमें जोड़ दिया गया है। अब सभी लोगों को यहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्टिंग दी गई। तो ऐसे यहाँ पे 243 कैंडिडेट थे जो यहाँ पे रह गए थे, तो इनको यहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्टिंग करनी है। तो वही बात मैंने आपको बताई है, आप लोगों को अपना अपना नाम इस लिस्ट में अपना सर्च करना है, डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी आपका ब्लॉक रहने वाला है उसके बाद जो भी आपका सब हेल्थ सेंटर का नाम है वहीं पर जाके आप लोगों को अपनी अपनी यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, और यहाँ पे फाइनली आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो करने होंगे अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। पहले निर्देश में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है, वो है आपके रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो देखिए आपका सत्र जो है 2019 सत्र जो है आपका दिसंबर 2019 सत्र, तो जितने भी यहाँ पे अपने अपनी ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको एक सप्ताह के अंतर्गत, ठीक है, एक सप्ताह के अंतर्गत जो भी आपको यहाँ पे आवंटित जिला आपको मिला है, ठीक है, जिला जो भी है आप लोग ऊपर देख लीजिए आपके नाम के आगे दिया गया है, वहीं पर जाना है आप लोगों को उस जिले में। और यहाँ पे कहाँ पे मिलना है, किससे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जाके अपनी रिपोर्टिंग वहां पे करनी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक सप्ताह का आपके पास समय है, एक वीक का, उसके अंतर्गत आप लोग अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए है, और ये आपको फॉलो नहीं करना है, आपको ये ज्वाइनिंग कराएंगे और यहाँ पे आपकी जितनी भी जानकारी है और वहां पे भेज देंगे जो भी उनको वहां पे भेजनी होगी, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे आवंटित उपस्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व से कोई यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है कार्यरत है तो यहाँ पे बिल्कुल जानकारी देगा, ये भी आपको यहाँ पे इसमें आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, जो जानकारी यहाँ पे है मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वही इसको पॉइंट को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे अगले पॉइंट को, यहाँ पे 3 वर्ष का कार्य जो भी आप लोग यहाँ पे करेंगे उसका एक अनुबंधित रहेगा, और यहाँ पे 2 लाख का जो बॉन्ड है यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। उक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनुबंध अनुसार पदस्थ किए गए हेल्थ और वेलनेस सेंटर में न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य करने हेतु अनुबंधित है, सेवा प्रदाय नहीं किए की स्थिति में राशि 2 लाख का अनुबंध अनुसार वसूला जाएगा।
तो कहने वाली बात यह है, 3 वर्ष का जो भी आपका अनुबंध था तो वो आपको वहां पे उसका पालन करना होगा। अगर ये पालन नहीं हुआ तो ये क्या है, आपका अनुबंध अनुसार वसूला जाएगा। तो ये जानकारी भी मैंने आपको इसमें रीड कर दी है। और इसके बाद जो है 5वें नंबर का पॉइंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। सैलरी को लेके यहाँ पे कुछ बात कही गई है, जैसे ही आप लोग अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे तो अभी आपको 15,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। और देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया था, 6 मंथ की ट्रेनिंग हो जाने के बाद, और जैसे ही आप लोग उस एग्जाम को यहाँ पे पास कर लेंगे, मीन्स यहाँ पे परीक्षा का जैसे ही परिणाम आ जाएगा और उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने लगेगी। और जो भी आपका कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है 15,000 रुपये की, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये जानकारी भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी है। और देखिए, यहाँ पे अनुत्तीर्ण मान के चलता हूँ, ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और जो भी एग्जाम आप लोगों ने दिया था, रिटन टेस्ट जो भी था थ्योरी वाला, अगर आप उसमें अनुत्तीर्ण हो पाते हैं तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने वाले कैंडिडेट को जो है कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अवसर और आपको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग फाइनली जो है अपनी अपनी फाइनली पूरी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग अनुत्तीर्ण रहते हैं तो आपको जो सैलरी पैकेज मिलने वाला है वो रहेगा 15,000 रुपये का। तो यही पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है, और जो मेन बात है वही आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मात्र जितने भी यहाँ पे 243 कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्टिंग करनी है, और 1 सप्ताह के अंतर्गत ये पूरी यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाना है, वहां पे आप लोगों को मिलना है, जो कि आप लोगों का कोई सा भी अपना अपना सब हेल्थ सेंटर आपको जो भी अलॉटमेंट के तौर पे मिला है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है, आप लोग इसमें पूरा समझ गए होंगे। और ये जून 2019 बैच वाले कैंडिडेट हैं, और उन्हीं लोगों की यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अभी हाल ही में इसकी जानकारी वेबसाइट पर आई है, इसलिए मैंने ये अपडेट आप लोगों के लिए बना दिया है। और यहाँ पे देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और देखिए वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से अपनी अपनी स्क्रीन पर डाउनलोड करके आप लोग रीड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इसी जगह पे जाना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब जैसे ही कर लेंगे हमारे चैनल को, आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसी तरीके से आगे भी आपको मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती से जुड़ा हुआ। चाहे तो एक थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर लगता है कोई ना कोई जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।